बहुत सारी, इनफैक्ट जापान की कंपनी है वो हजारों साल पुरानी है, कई सारी जनरेशन तक वो बिजनेस गया। सो आई बिलीव कि जो हम काम कर रहे हैं, और शायद आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात पे कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में आप चाहे बिजनेस पार्ट देखें या आप प्रोडक्ट पार्ट देखें, दोनों चीज़ों देखें, अगर एक होलिस्टिकली इफ वी ऑब्जर्व आवर अपॉर्चुनिटी, सो व्हाट यू विल फाइंड आउट दैट कि हम एक ऐसे काम पे हैं जहाँ जिस काम को जनरेशन जनरेशन को पास ऑन किया जा सकता है। अभी तो बस हमने एक तरह से जन्म लिया है, वी आर इन लाइक इन्फेंसी स्टेज जो बोलते हैं कि बहुत इन्फेंट की स्टेज जो होती ना, तो अभी तो वंजेरा ने जन्म लिया है मेरे अकॉर्डिंग, और जन्म के साथ ही काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स आ गए हैं राइट, जहाँ पे लाइक हमारे लीडर्स को, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि हमारे लीडर्स को इन्वाइट किया जा रहा है वेरियस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में, आइए आप एंटरप्रेन्योरशिप पे टॉक दीजिए, हमारे लिए हेल्थ सेशंस किए, आई थिंक यहाँ पे प्रणव जी हैं, प्रणव जी ने रिसेंटली अभी हमने देखा था कि VNIT एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, VNIT नागपुर, लाइक आई थिंक अच्छे NITs में आता है, टॉप NITs में आता है, वहाँ पे जाके इनको इनवाइट किया गया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम सबके नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम पे हैं, और लगातार ऐसी स्टोरीज आती हैं तो थोड़ा सा कॉमन भी हो गई हैं राइट। सो आज वंजेरा के लीडर्स को बुलाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, सो जो फ्यूचर है हमारा हम सबका बहुत ब्राइट है, मिल के काम करना है और हम सबको बहुत बड़े मुकाम को हासिल करना है। तो मैं यही कहूँगा कि लास्ट 3 ईयर्स हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, बट ये अभी हमारा जर्न ही हुआ है, वी हैव जस्ट टेकन अपन बर्थ राइट, अभी बहुत कुछ हमें करना है और हम जो काम ऐसा बिल्डअप, और एक मेरा आई थिंक एक बिलीव भी है कि, और आप लोग भी ऑब्जर्व करिएगा इस बात को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के जरिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के जरिए लोगों की सेवा में है ना, वो वीडियो बनाने के लिए बोल दिए थे, बोल रहा हूँ तो उसको बंद कर देते, मुझे भी लग रहा था डबल डबल विटनेस सेवरल टेस्टिमोनियल्स वेयर आवर कस्टमर्स शेयर्ड वंडरफुल रिव्यूज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, they had been suffering from several health issues and after using our product for 2 to 3 months or 4 months what happened कि वो जो इश्यूज थे, उनके जो इश्यूज थे, जो लाइक दे हैव ट्राइड एलोपैथी, दे हैव ट्राइड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मेनी थिंग्स दे हैव ट्राइड, दे हैव ट्राइड देयर ऑल एंड दे वर नॉट एबल टू यू नो गेट रेड ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू, उनको ऐसे हेल्थ इशूज में बेनिफिट मिला। सो हमने सिर्फ एक कस्टमर नहीं, एक ब्लेसिंग्स, हमने ब्लेसिंग्स हमें मिली, लोगों ने ब्लेस की, और ऐसी कई टेस्टिमोनियल्स। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस पार्ट टुडेज, लाइक इन टुडेज सिचुएशन, अगर पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें और लाइक अक्रॉस द कंट्री देखें, अक्रॉस द कंट्री, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी वन स्टेट, अगर हम अपना अक्रॉस द कंट्री अगर देखें तो हमारा एक नेशनल इशू है अनएम्प्लॉयमेंट। पॉलिटिक्स में देखें, अभी रिसेंटली हमारे जनरल इलेक्शन हुए, अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और एक्चुअली लोग बड़े परेशान हैं, लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लाइक लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, अगर जॉब्स मिल भी नहीं है तो दे आर अंडर पेड, आफ्टर डूइंग PhD पीपल आर वर्किंग फॉर 25 to 30,000 राइट, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी लोग अंडर पेड हैं। और अभी पंकज जी ही आए थे, पंकज जी ने बोला कि लाइक ही हैज डन द बिजनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 lakh rupees, आउट ऑफ 1 lakh rupees व्हाट ही वॉज सोइंग he could make approximately 40 to 50,000 rupees. 1 lakh ke business mein he could generate a profit of approximately 50,000 rupees. Ab aap ye dekhiye ki, aur Pankaj ji to abhi college student hi hai. A college student
ऐसा कर पा रहा। और ये पंकज जी एक एग्जांपल है, अगर ऐसे देखें तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स आल्सो जहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि यंगस्टर्स आर एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आर एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, मेनी हाउसवाइफ्स आर एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स। तो हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो जो एक लोगों की जरूरत है जहां पे हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट बना पा रहे हैं, सेल्फ रिलायंट बना पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना पा रहे हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डाल पा रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद नौकरी तो बहुत लोग तलाशते हैं, और सच्चाई ये है कि इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैरी कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक लोग के थॉट्स ये होंगे कि पढ़ने लिखने के बाद हमें नौकरी करना है। इज इट राइट? आई होप यू आर यू नो यू एग्री टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट। सो हम लोगों के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल फीलिंग डाल पा रहे हैं, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डाल पा रहे हैं। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वी आर ए प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज अ वर्क ऑफ गवर्नमेंट ओनली। व्हाट वी आर डूइंग, हम एक गैर सरकारी कंपनी लिए काम, तो सरकारी कंपनी वाला काम है, सरकार का जो काम है वो कर पा रहे हैं। तो इस तरह से देखें, सो जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है, और जिस तरह से विंजेरा ने अपॉर्चुनिटी को फ्रेम किया है और जो कॉम्पनसेशन मॉडल के रूप में दिया है, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे वो हमारा B2B का मॉडल हो, चाहे B2C का मॉडल हो, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल है ना, सच कह रहा हूँ मैं, वी कैन रियली क्रिएट फॉर्च्यून फॉर अस। नॉट ओनली वी कैन डेवलप अ बिजनेस विच वुड बी क्रिएटिंग फॉर्च्यून फॉर दिस जनरेशन, वी कैन ट्रांसफर अवर लेगेसी टू अदर जनरेशन ऑल्सो। हम अपने PMF में बोलते हैं ना लीव ए लेगेसी, हमारे पास जो काम है ना, जिस काम में इतनी ताकत है ना कि आप इसको आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, राइट? एंड आई हैव पर्सनली विटनेस दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, कि देखा है कि जो ताकत आज अपॉर्चुनिटी में है बहुत बड़ी ताकत है, इसको हमें कैपिटलाइज करना है। एंड मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अब एनिवर्सरी है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, लाइक थाईलैंड ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, हमारा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हमारा अनाउंस हुआ। एंड आई बिलीव कि वी ऑल वर्क टुगेदर एंड कोशिश करते हैं कि पूरी फ्लाइट अपनी हो जाए, राइट? कोशिश तो की जा सकती है सर, कोशिश तो की जा सकती है, नहीं होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, एटलीस्ट जो अपॉर्चुनिटी आई होप लोगों को क्राइटेरिया पता चले होंगे, राइट? क्राइटेरिया ऐसे तो डिफिकल्ट क्राइटेरियाज नहीं है ना सर, मतलब आप कह दो ये बात की सर मेरे को तो पता है कि भगवान भी नीचे उतर के आ जाएंगे तब भी क्राइटेरियाज नहीं होने वाले, ऐसे तो क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सिंपल है, मैं नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट है, मॉडरेट क्राइटेरिया, जहाँ पे कोई इंसान अगर लास्ट थ्री मंथ कमिंग थ्री मंथ्स अगर कंसिस्टेंटली वर्क कर ले तो दीज आर क्वाइट अचीवेबल टारगेट। एंड इफ यू नो एक पूरी फ्लाइट को बुक करने के लिए कितना चाहिए, अगर हम 250-300 लोग हो जाएंगे तो अपनी पूरी फ्लाइट ही हो जाएगी, मतलब 180 आई थिंक इंडियन जो डोमेस्टिक नॉर्मल फ्लाइट्स होती है 180-190 लोगों में पूरी हो जाती है, 180 लोगों में हो जाती है, राइट? तो इतना तो किया जा सकता है ना, कुछ ऐसा हम लोग करें आने वाले 3 महीने में कि यू नो वी लाइक एक पूरी विंजेरा की फ्लाइट पहुँचे थाईलैंड में। ये यही मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ऐसा हो। और दूसरी बात जो है कि लाइक ऑलरेडी इन फ्यू ऑफ माई मीटिंग्स आई डिस्कस अबाउट दैट कि वी ऑलरेडी हैव लाइसेंस ऑफ अराउंड 11 प्रोडक्ट्स विच आर सीबकॉन बेस्ड करेंटली। वी लाइक व्हाट वी हैव लॉन्च अराउंड 6 SKUs, 6 different प्रोडक्ट्स वी हैव, लाइक we have Fitbin, we have PowerX, we have Fembin, we have Sebacom Vitamin Oil Concentric and Dibo. So, हमारे पास आज कितने 6 हैं। और आप लोग के लिए हम जो बातचीत करते हैं ना, Sebacom is helpful for top to toe. So, another 5 products जो आपके during this period only, like जो हमारा आने का 3 months के पीरियड में, you will have another 5 products जो हम मुझे one by one आने वाले 3 months में आपको मिल जाएंगे, किसी month 2 भी हो सकते हैं। Coming 3 months you will have
अनदर फाइव प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको टॉप टू टॉप की बात करें फॉर हेयर स्किन नेल, फॉर हेयर स्किन नेल यू हैव अ प्रोडक्ट